हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर आपके लिए एक ब्रा का वीडियो लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने दो ब्रा के वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें एक सिंपल ब्रा और दूसरी पॉकेट वाली है। उस पर मेरे व्यूवर्स फ्रेंड ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है और मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि मैं कोई और डिफरेंट टाइप की ब्रा लेके आऊँ और इनसे भी ज़्यादा यूजफुल लेके आऊँ। तो मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो लेके आई हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैंने जो कपड़ा लिया है ये 1 मीटर का लगभग चौथाई हिस्सा है। अब हम इसका मेजरमेंट शुरू करते हैं। इसमें हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये हम लेंगे 3 इंच लेना है हमें इसकी चौड़ाई। इसकी चौड़ाई हमें लेनी है 3 इंच और लंबाई लेनी है 9 इंच। ये हमने लिया है, दो पट्टियां हैं, लंबाई इनकी है 9 इंच, ये 9 है, और इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है। ये कप के लिए हमने कपड़ा लिया है, और ये एक और है, इसमें है ये 6 लंबाई, 6 ही है इसकी चौड़ाई, यानी कि 6x6। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे 2 इंच कॉर्नर में एक, और इसको राउंड शेप देंगे यहाँ से ऐसे करके, इधर से भी ये कप साइज़ को फिट करेगा। अब इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये तो हो गया इसका कप। अब हम इसकी कंधे और कमर की पट्टी लेंगे। ये हो गया इसका कप, ये हो गई कंधे की पट्टी, लंबाई 15 इंच और इसकी चौड़ाई 2 इंच। ये ऐसे सिलाई करने के बाद कम हो जाएगा इसका। और ये जो कमर की पट्टी है ये है इसकी 30 इंच और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। कप की फिटिंग करने के लिए हम एक साइड से लेंगे 3.5 इंच, यहाँ पे मैंने लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे 3 इंच और अब इसकी सिलाई करेंगे। बाकी जो बच गया है उसको छोड़ देते हैं। अब इसकी सिलाई करना शुरू करते हैं। हमें यहाँ से लेकर के पहले इसकी यहाँ तक सिलाई करनी है। ये इसकी एक साइड से सिलाई कर दिया, अब दूसरी साइड से भी करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। कॉर्नर से मिलाते हुए निशान तक इसकी सिलाई कर देंगे यहाँ तक। ये बीच का जो गैप है वो खुला रहेगा। ये कप तैयार है। अब ये जो बीच में गैप बचा है इसमें राइट साइड लेंगे हम और उसके ऊपर लगाएंगे ऐसे कपड़ा, और फिर इसको उलट करके यहाँ से सिलाई करेंगे। ये 38 साइज़ का कप मैं सेट कर रही हूँ। अब इसके यहाँ पे सिलाई कर देंगे इधर से। अब यहाँ पे कट लगा के इसमें से जो हमने गैप छोड़ा था उसको क्लियर कर लेंगे इधर और इधर से भी। अब इस कपड़े को हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएं, इसके नीचे की साइड इस तरह से इसको नीचे निकाल करके यहाँ से सिलाई करके दबा देंगे। सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें चैन लगाएंगे। यहाँ पे चैन हमें इसकी साइज़ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। यह चैन को इसके साइज़ का काट के हमने दोनों साइड से कपड़ा इसमें लगा दिया है। अब चेन को इसके साथ अटैच करेंगे कप के साथ में। इसको नीचे की साइड ले करके और यहाँ से सिलाई करेंगे। ये कप सिल गया है, इसमें लग गई है चेन। अब हम इसकी साइड की सिलाई करेंगे पतली पतली। इसको थोड़ा थोड़ा इधर से ऐसे दबा देंगे दोनों साइड से। अब हम दोनों को बीच में से जोड़ देंगे। इसका जो ये वाला बीच वाला हिस्सा है
इसमें हम आधा इंच का कट देंगे, इसको आधा इंच या तो अंदर दबा देंगे या फिर इसको कट कर देंगे, और जहाँ पर ये नीचे वाली सिलाई है वहाँ तक इसको ज्वाइंट करेंगे आपस में। अब हम इसकी नीचे वाली पट्टी ज्वाइंट करेंगे कमर की। ये कमर के नाप से लेनी है हमें, जितना कमर का मेजरमेंट है उस हिसाब से हम लेंगे इसको, और यहाँ बीच सेंटर से इसको अटैच कर देंगे दोनों साइड में। इधर से ऐसे इसकी सिलाई करेंगे। अभी अटैच हो गया है, इसमें एक साइड में होल्डर लगा देंगे, इसको पट्टी के बीच में डाल करके ऐसे साथ में सिलाई मार देंगे इसकी, यहाँ से सिलाई लगा देंगे। ये दोनों कप में चेन भी लग गई है, नीचे की पट्टी लग गई है। अब हम लगाएंगे कंधे वाली पट्टी, इसको इधर से सिलाई कर देंगे। ये मैं बना रही हूँ फीडिंग मदर ब्रा, स्पेशल फॉर फीडिंग मदर, इसलिए मैंने दोनों साइड में चेन लगाया हुआ है। 38 साइज़ की फीडिंग मदर ब्रा बन करके तैयार है। इसकी जो ये शोल्डर की पट्टियाँ हैं इन ये हैं 14 इंच की दोनों, नीचे का है इसका 30 इंच का, और ये है 38 साइज़। इसमें दोनों साइड में ऐसे चेन लगी हुई है। नॉर्मल ब्रा में फीडिंग करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप ऐसी ब्रा अपने हाथ से घर पर भी सिल के यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसमें से ऐसे आप निप्पल को निकाल करके बच्चे को फीडिंग करवा सकते हैं। इससे अगला वीडियो में जो लेके आऊँगी वो हैवी ब्रेस्ट के लिए रहेगा। अलग अलग साइज़ की बरा की कटिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे।